कमलनाथ के विधायकों की कोई कीमत ना होने वाले बयान को लेकर विपक्षी उन पर हमलावार हो गए हैं। पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर वार करते हुए उनको पैसे के घमंड में चूर व्यक्ति बताया था। अब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर वार करते हुए बोला कि नाथ जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ के बयान को लेकर विरोधी उन पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अब नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा कि विधायकों के बारे में कमलनाथ का अहंकार बोलता है। इनकी नजरों में जब राहुल गांधी की कोई कीमत नहीं है तो विधायकों की क्या कीमत होगी। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने विधायकों पर ऐसा बयान देकर जनता जनार्दन का अपमान किया है। साथ ही गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया का सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता बनने को लेकर कहा कि मोदी आज दुनिया के नंबर वन नेता हैं, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये इंटरनेशनल रिपोर्ट में साबित हो चुका है। जिनकी निगाह में राहुल गांधी जी की कोई कीमत ना हो, वो विधायकों की कीमत कैसे आंकेंगे? दरअसल कमलनाथ जी जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं, और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। कोई कीमत नहीं है ऐसा कह के आप जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आपको भी सोचना चाहिए। जब वो चले जाते हैं तो उनको आप बिकाऊ कहने लगते हो, इधर कहती हो कीमत नहीं है, आप तय तो कर लो क्या मामला है दोनों में से। एक चीज आपकी तय करना चाहिए आपको, ये आप नहीं, आपका जो अहंकार है ना वो बोलता है विधायकों के बारे में। आप वही कमलनाथ जी हैं जो महिला जनप्रतिनिधि को आइटम बोल देते हैं, जो आप बोलते हैं कि विधानसभा में बकवास, विधानसभा की कार्रवाई और जो सार्थक बहस होती है आप कहती हो कि वह बकवास होती है विधानसभा के अंदर, ये सब आपके अहंकार को दर्शाता है। अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी वैश्विक नेता के रूप में, ग्लोबल लीडर्स के रूप में आज सूची में हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी 76वीं अंक मिले, जो अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है, जो अपने आप में हम सब के लिए अच्छी बात है। बाकी के जो प्रधानमंत्री हैं आप देखें उसमें के कितने पीछे हैं और माननीय मोदी जी कैसे आते हैं। ये भारत माता के सभी हम सपूतों के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना मजबूत और इतना योग्य है कि आज वैश्विक पटल पर उनका नाम चल रहा है। साथ ही गृह मंत्री ने नीतीश कुमार के इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर बोला कि एक तरफ बिहार दंगों से जल रहा है और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार दंगाइयों के साथ इफ्तार पार्टी मना रहे हैं, इनको ये नौटंकी बंद करनी चाहिए। सामाजिक समरसता क्या होती है, नीतीश कुमार को मध्य प्रदेश आकर देखना चाहिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीखना चाहिए। साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक लाडली बहना योजना में 47 लाख बहनों ने अपना पंजीयन करा लिया है और जल्द ही 50 लाख पंजीयन होने की संभावना है। देखो, मैं नीतीश कुमार जी से सिर्फ इतना कहूंगा कि ये इफ्तार की नौटंकी इन्हें बंद करना चाहिए। पूरे बिहार में दंगों को इनने प्रश्रय दिया, झुलसाने का काम किया, गले लगाकर पीठ में छुरा घोंपने का जो नीतीश जी का वहां कर स्वांग है। नीतीश कुमार जी, समरसता क्या होती है, मध्य प्रदेश आओ और देखो, शिवराज सिंह जी से सीखो कि रामनवमी की यात्रा पर फूल बरसते हैं। आपके यहाँ की तरह नहीं है कि दंगाइयों को प्रश्रय दें। 47 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, ये प्रसन्नता का बात है और ये हमारी बहनों की, लाडली बहनों का उत्साह भी देखते हुए बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है इसका नीचे तक असर कैसा है, मैं समझता हूँ 12 बजे तक हो सकता है 50 लाख क्रॉस हो जाए जितनी तेजी से, और सच में ये योजना वंदनीय है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया है लाडली बहनों का, या वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है,
हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।